हेलो फ्रेंड्स, स्टडी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूरती घारी। ये मैंने 1 kg मावा लिया है, जो मैंने घी में अच्छे से सेक लिया है उनका रंग चेंज होने तक। और फिर मैंने ये 200 ग्राम गरगरा बेसन लिया है, वो भी मैंने घी में बहुत अच्छे से सेक लिया, जब तक उसका कलर चेंज नहीं हो जाए तब तक उनको सेकना है। ये देखो बहुत अच्छे से ये भी हो गया है, और मावा भी मैंने बहुत अच्छे से सेक लिया था, दोनों अलग अलग ही सेकना है। ये देखो बेसन का भी रंग चेंज हो गया है। फिर मैंने पिस्ती ली, फिर पिस्ती भी मैंने पीस लिया है इलायची के साथ, ये और कटा हुआ बादाम, ये और बादाम है। फिर मैंने ये बेसन और मावा दोनों मिक्स करके रख दिया, उनको बहुत अच्छे से मिक्स किया है। फिर मैंने ये 600 ग्राम बूरा लिया था, आप चीनी भी यूज़ कर सकते हो उस पर। फिर मैंने ये बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये सबको बहुत अच्छे से मिक्स करके रख देना है। घर पे 1 kg की बहुत सारी मिठाई बन जाती है। और ये देखो लड्डू बना या नहीं वो देखना है, अगर नहीं बना है तो आप थोड़ा घी ऐड कर सकते हो। ये देखो ये मैंने पीसी हुई पिस्ती और इलायची डाला है, ये बादाम और ये थोड़े पिस्ती के टुकड़े भी डाले हैं, और फिर मैंने बादाम के टुकड़े भी डाले थे थोड़े, और इनको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये वापस मैंने देखा लड्डू बना या नहीं, देखो अच्छे से बन के रेडी हो गए हैं। ये मैंने सारे लड्डू बना लिए, और बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा ये क्वांटिटी 1 kg में बना है। फिर मैंने ये मैदा आटा गूंथ के रखा था, उसकी मैंने ये छोटी छोटी पूरियां बना ली हैं। उसके बाद मैंने ये लड्डू रखा उस पर, फिर ऐसे ऐसे उनको फोल्ड करना है। और ये देखो ऐसे फोल्ड करके जो ऊपर का बच जाता है वो निकाल देना है, ये मैंने निकाल दिया है। और ये घर पे बहुत ज़्यादा बन होती है, ये देखो ऐसे करके प्रेस करा है तो ये घाड़ी हमारी रेडी है, बहुत अच्छे से बनी थी। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मैंने घी गरम करके रखा था, फिर छन्नी में उनको ऐसे उनको तलना है, थोड़ा थोड़ा घी डाल उसके ऊपर ऐसे डालना है, पूरी घारी नहीं डालनी है, नहीं तो फट जाएगा तो सारे मावा भी निकल सकता है। इसीलिए ऐसे करके थोड़ा थोड़ा घी डाल के, ऐसे थोड़ा टाइम भी लगता है पर बहुत अच्छे से बनती है घारी। और आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अभी आज मैं बनाने जा रही हूँ, और आज शरद पूर्णिमा कल गई थी, और सूरती लोग आज घारी खाते हैं। और ये मैंने अच्छे से रगड़ के ये घी ऐसे लगा लिया था, कम घी लगाया था, जो जितना घी खाए उतना। फिर उसके ऊपर ये मैंने पिस्ती और बादाम सर्व किया, और बहुत टेस्टी लगती है खाने में। आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करें, थोड़ी मेहनत भी है पर 1 kg में आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।